सिद्धार्थनगर जिले में ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी की अगुवाई में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने कहा, विकास खंड नौगढ़ के ग्राम पंचायत गनेरा के ग्राम रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत रामप्रीत गुप्ता को प्रधान द्वारा फर्जी प्रस्ताव करके नौकरी से निकालने का मामला वापस लिया जाए। जब तक बहाली नहीं हो जाती वह लोग समस्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे। हमारी मांग यही है कि हमारे ही साथी गनेरा ग्राम पंचायत के रामप्रीत गुप्ता को फर्जी प्रस्ताव बना करके ग्राम प्रधान द्वारा निकाला जा रहा है। बस केवल मामला इतना है कि हम लोगों को सरकार ने पासवर्ड आईडी दे दिया है और पासवर्ड आईडी से हम लोग मोबाइल मॉनिटरिंग करते हैं। उस पर अगर 10 लेबर हैं तो 10 लेबर जाता है, 15 लेबर हैं तो 15 लेबर जाता है। उनका कहना है कि 100-100 लेबर, 150-150 लेबर हमारा निकालिए। हम लोग नहीं निकालते हैं तो उनके अधिकार में है कि प्रस्ताव बनाना, लेकिन यह तो काम अधिकारियों का है कि उसकी जांच कराई जाए। बिना जांच के हमारे ग्राम रोजगार सेवक रामप्रीत गुप्ता का मानदेय रोक दिया गया है। उसी को लेकर के 6 दिन से हम लोग काज बहिष्कार पे हैं, लेकिन ना यहाँ के जिला अधिकारी ना यहाँ के उच्च अधिकारी कोई वार्ता करते हैं और ना ही कोई आश्वासन मिलता है हम लोगों को। हम लोगों ने अब यह निर्णय लिया है कि कल से ब्लॉक मुख्यालय नौगढ़ पर आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती है तो ग्राम विकास आयुक्त महोदय आएंगे 9 तारीख को जिले पे आंदोलन कर आंदोलन करने का काम करेंगे।